क्या सारे लोग थोड़े से इधर पे ध्यान दें, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग मिस्टर इंडिया कॉर्पोरेशन और आधार संस्था बिठोर की तरफ से हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, इसके अंतर्गत हम यहाँ पर आए हुए हैं। आपके बीच में यहाँ शांता पांडे मैम एज अ एक्सपर्ट आई हुई हैं, जो डॉक्टर हैं और जो रोजमर्रा में होने वाली जो चीजें हैं उसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी दी। सबसे पहले मैं कुछ बातें आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी जानकारियां दी जा रही है उसको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आपकी एज में होने वाली, एज मतलब सारे लोग समझ रहे हैं, आपकी उम्र में जो होने वाली जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में जो बदलाव है उनके बारे में आपको कुछ चीजें तो आप स्वयं जानते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या होती है ना आपके मन में होती है लेकिन आप किसी से सवाल नहीं कर पाते हो, किसी से पूछ नहीं पाते हो सर क्यों हो रहा है। तो यहाँ हम आज इसीलिए आए हैं कि आपके मन में जो भी शंका हो उसका समाधान यहाँ पे मैम करेंगे, आपके मन में जो भी सवाल हो मैम एक बार अपना सेशन ले लेंगी, पूरा आप लोगों को समझा देंगी कैसे क्या है। जिसके मन में जो भी सवाल है, अगल बगल वाले को ये ना सोचे कि उसने नहीं पूछा या मुझे तो मैं भी नहीं पूछूं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने पूछा है वही किसी दूसरे की भी शंका हो तो उसकी वजह से उसका भी समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैम को आमंत्रित करता हूँ कि इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू। जैसा कि सर ने कहा कि आप लोग यहाँ पे अपने स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी के लिए इकट्ठा किए गए हैं, है ना? यही है ना? सभी लोग इस समय आप लोग किशोरावस्था से गुजर रहे हैं, 12 से 18 साल की उम्र के अंदर ही आप लोग सब लोग, है ना? सब लोग किस क्लास के हो आप लोग? 7 से लेके 10 तक, 6 से लेके 10 तक, तो सभी लोग 12 से 18 के बीच में है ना? ये हमारे जो जानकारी के अनुसार 12 से 18 को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किशोरावस्था, इसमें हम लोगों के शारीरिक मानसिक बहुत से परिवर्तन हम लोग के होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। स्पेशली हम लोग के शारीरिक परिवर्तन में हमारे फेसिंग चेंज हो जाता है, हमारे शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं, हमारे जो कि लड़कों में और लड़कियों में दोनों में समान रूप से होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन लड़कियों में ज़्यादा होते हैं, लड़कों में वो परिवर्तन नहीं होते। इन परिवर्तनों के अंतर्गत सामाजिक रूप से भी लड़कियों के ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है और मानसिक रूप से भी घरेलू जो अभिभावक हैं वो लोग भी प्रेशर डालते रहते हैं कि ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ऐसे मत रुको, ऐसे मत रुको। और जब आप कोई बचपने वाली हरकत इस किशोरावस्था में करते हैं तो कहेंगे अभिभावक लोग कि आप तो बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, आप ये बचकानी हरकतें कर रहे हो। जब आप बड़ों वाला कुछ हरकत करेंगे तो वो कुछ, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन ही पूछा अपने घर में, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो कि बच्चे मोस्टली पूछते नहीं हैं, तो क्या अभिभावक लोग उसका सही जवाब ना देके कहेंगे आप अभी बच्चे हो, ये क्या पूछ रहे हो? तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि हम बड़े में हैं कि बच्चे में हैं। किशोरावस्था यही डिसबैलेंसिंग अवस्था है, इसमें सही तौर पे ना मानसिक रूप से संतुलन बन पाता है ना शारीरिक रूप से बन पाता है, इसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं, वो समझने से परे होते हैं। और आप लोग में भी ये होता है, क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, लेकिन आप किसी बड़े से पूछते नहीं, ना अपने माँ से पूछते हो, ना दीदी से पूछते हो, ना भाभी लोगों से पूछते हो, किसी से भी आप पूछते नहीं। जानने की इच्छा बहुत है लेकिन पूछना नहीं चाहते, या तो संकोच करते हो, वैसे आप सहम जाते हो। आप तो ये जो भी दिमाग में चलता है, ये परिवर्तन जो है ये प्राकृतिक परिवर्तन है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप उससे संकोच करें या पूछने में आप घबराएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी शंकाएँ होती हैं वो अपने माँ से, दीदी से, सबसे आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए उसके बारे में, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए जो ये परिवर्तन हो रहा है। इसका ना पूछने की वजह से आप लोग उसका उठ पटांग अर्थ निकाल के उसका कुछ उल्टा ही करके बैठ जाते हो, ना पूछने की वजह से, ना जानकारी होने की वजह से आप लोग कुछ उसका उल्टा सोच के उल्टा ही करके बैठ जाते हैं। इन सब बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है?
शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य, एक स्वस्थ शरीर को हम लोग कैसे आंकते हैं? हाइट अच्छी है, हेल्थ अच्छी है तो स्वस्थ है, यही आंकते हैं ना। अगर वो मोटा है तो मतलब स्वस्थ है, अगर वो दुबला है तो वो अस्वस्थ है, ऐसे ही सोच के हम लोग चलते हैं ना। लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है। हो सकता है जो दुबला हो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो और जो मोटा हो वो अस्वस्थ हो, ऐसा हो सकता है ना। हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट सही है तो हम उसे पूरी तरह से स्वस्थ बॉडी कह सकते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के हिसाब से अगर हमारा वजन सही होता है तो वो स्वस्थ बॉडी में गिनी जाती है। अगर हाइट के मुताबिक हमारा वजन कम है तो हम लोग कुपोषण में आ जाते हैं, या हाइट के हिसाब से हमारा वजन ज़्यादा है, अगर मोटे हैं, हमारे हाइट के अनुपात में वजन कहीं कई गुना ज़्यादा है तो हम स्वस्थ नहीं गिने जाएंगे। वजन ज़्यादा होना स्वस्थता की निशानी नहीं है। ज़्यादा वजन होना भी कुपोषण है, कम वजन होना भी कुपोषण में ही आता है। इस कुपोषण को हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं? कुपोषण जहाँ पे कूद शब्द लग जाता है वो अच्छा नहीं होता। कुपोषण, सुपोषण, जहाँ सु लग गया वहाँ अच्छा हो गया, जहाँ कू लग गया वहाँ बुरा हो गया। आप बैठ नहीं रहे, नहीं आप खड़े रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जाओ। फेस नहीं तो ये कुपोषण और सुपोषण को हम लोग जानेंगे किस आधार में? खान पान को सही करके। खान पान यानी कि बैलेंस डाइट। खान पान में अगर हम लोग के सही पूरी तरह से पोषक तत्व तो हम लोग सारा दिन में लेते हैं तो हम लोग कभी भी कुपोषण का शिकार नहीं हो सकते। संपूर्ण पोषण क्या होगा? सही पोषण हम लोग किस तरह से आंकेंगे? जिसमें कि हमारे खान पान में, हमारी थाली में तीन टाइम हम लोग अगर भोजन करते हैं तो थाली में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, ये सारे पोषक तत्व तो हमारे एक थाली में होने चाहिए। और ये सारे पोषक तत्व तो मिलते कहाँ से हैं? अनाज से कार्बोहाइड्रेट, दालों में प्रोटीन मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में हमें आयरन मिलता है जो कि हमारे खून बढ़ाने के लिए, ये सारे हरे पत्तेदार सब्जियां भी थाली में होनी चाहिए, सलाद भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, चावल भी होने चाहिए, दही और नींबू, ये सारी चीज़ें जब हमारी थाली में होती हैं तो हम उसे कंप्लीट डाइट कह सकते हैं, पूर्ण पोषण हम लोग उससे ले सकते हैं। ये पूर्ण पोषण अगर हम लोग लेते हैं तो हमें कभी भी कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है, उससे उसका बैलेंस थोड़ा डाउन हो जाता है तो उसे हम लोग बाद में रिकवर कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कुपोषण का मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसे रिकवर करना मुश्किल होता है। पहले ये जो ये योजना थी ये सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए थी, सिर्फ महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों के लिए थी, लेकिन सरकार ने ये कहा कि अगर किशोरी कमजोर रहती है, किशोरी अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर रहती है तो आज की किशोरी ही तो कल की नारी बनेगी। आज की जो किशोरी, आज आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, बाद में आप लोग बड़े होंगे, आपकी शादियां होंगी, आप भी किसी की माँ बनेंगे। फनी चीज नहीं है ये, चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है कि आज की किशोरी कल की नारी। अगर किशोरी का शरीर कमजोर है तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। अगर किशोरी ही कमजोर है तो क्या वो एक पतली सी डाल में इतना बड़ा कद्दू लग जाए या इतना बड़ा कटहल लग जाए तो क्या होगा? डाल झुक के टूट जाएगी ना, वहीं से मुचक जाएगी, टूट जाएगी। तो वही चीज़, किशोरी अगर कमज़ोर है और उसके शरीर में अगर गर्भ धारण होता है, गर्भ धारण वो करती है,
आफ्टर 18 तो क्या होगा, वो एक सही पोषित बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने किशोरियों को पहले किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया है। किशोरियां आज की क्या है, आज की किशोरियां चाट बतासे और चाउमीन बर्गर इनमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। चाउमीन बर्गर पे हमें क्या मिलता है, सिर्फ मैदा और चीज़ वगैरह, उससे फैट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है उसमें। फैट और कार्बोहाइड्रेट, पूरा पोषण मिल रहा है, पूरा पोषण हम लोगों को नहीं मिला। पूरा पोषण हमें तभी मिल पाएगा जब हम पूरी थाली, एक थाली भर के खाना दो टाइम हम लोग खाएंगे तो हमें पूरा पोषण मिल पाएगा। ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं, चाट बतासे, ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर खाएंगे तो आप पोषित नहीं हो पाएंगे। पोषण के लिए हमें ये सारी चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसमें कि हरी सब्जियां लड़कियां बिल्कुल नहीं खाती हैं। ये हरी सब्जियां खून को बढ़ाने में हम लोग के शरीर में कारगर होती हैं। खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा जब हमारे सही होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम लोग हीमोग्लोबिन की मात्रा को ऐसे ही जज कर सकते हैं, आप अगर खून निकालने से डरते हैं कि हमारे शरीर में खून की मात्रा कम है कि नहीं, हम कैसे जाने, तो उसके लिए हम, अगर आपको थकान जल्दी महसूस होती है तुरंत खून टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थकान महसूस होती है, जल्दी आप थक जाते हैं, नींद बहुत आती है, सांस फूलने लगती थोड़ा चलने के बाद, आप जल्दी काम नहीं कर पाते, तो ये एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। एनीमिया मीन्स रक्त की कमी, खून की कमी। तो इस खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें अलग से टैबलेट और ये सब लेने की जरूरत नहीं। हम लोग अगर खान पान में हरी सब्जियाँ इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे चौलाई है, पालक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादा खाएं, तो हमारे अंदर आयरन की कमी पूरी हो सकती है। खाने के बाद ज़रा सा गुड़ अगर खाते हैं, गुड़ में बहुत आयरन होता है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो गुड़ अगर खा लेते हैं तो गुड़ से भी आयरन प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में चला जाता है। माँ को बोल सकते हैं लोहे की कढ़ाई में सब्जियाँ पकाएं, लोहे की कढ़ाई में आयरन बहुत मात्रा में आ जाता है सब्जी के अंदर और वो हमारे शरीर में जाता है और हमारे अंदर रक्त की कमी पूरी हो सकती है। उसके अलावा आंगनबाड़ी सेंटर जो आप लोगों के यहाँ चल रहे हैं वहाँ पे IFA की गोलियाँ, आयरन फॉलिक एसिड की गोली मिलती है जो कि आयरन की कमी को पूरी करती है। सप्ताह में एक गोली खानी चाहिए, एक गोली खाने के लिए किशोरियों को दी जाती है, वो एक गोली जरूर से खानी चाहिए। साल भर में 52 गोलियाँ मिलती हैं, 52 आप इकट्ठे उठा सकते हैं और सप्ताह की एक गोली। टीटी का टीका भी लगता है, टीटनेस ऑक्साइड का टीका लगता है, टीका भी लगवाना चाहिए। ये आप लोग के बहुत से इन्फेक्शन को रोक सकता है, जो कट पिट जाता है या पीरियड्स के समय इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो सारे इन्फेक्शन को रोकता है। और अगर हरी सब्जियां आप लोग नहीं खाएंगे या खान पान में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा जल ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आप लोग के जो शरीर का तो जो होगा होगा। लड़कियों को बाल बहुत प्रिय होते हैं, बालों की बड़ी बड़ी डिमांड होती है, मेरे बाल लंबे हो जाए, मेरे बाल घने हो जाए, मेरे बाल सिल्की हो जाए, चाहते हैं ना अपने लोग वो सारे बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब अंदर से कमज़ोर होते हैं तो हमारे सारे शरीर पे उसका इफेक्ट आता है, तो उसमें बाल भी इंक्लूड होते हैं। उसको ऐसे तो जाने दीजिए, अपने लोग जब बुखार से उठते हैं या टाइफाइड मलेरिया अपने को हो जाता है तो जब उससे ठीक होते हैं तो कितने बाल झड़ जाते हैं, कमज़ोर शरीर में बाल झड़ने की मात्रा प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है। तो बाल अगर बचाने हैं तो हरी सब्जियाँ जरूर जरूर खाएं। नींबू इसलिए बोलते हैं, उसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। ये सारी चीज़ें हमें खाने में जरूर से लेंगे। इसमें ये है जो इसमें कुछ हमारे खाने में सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, उसमें से एक है नमक, आयोडीन, आयोडीन होता है नमक में, आयोडीन होता है ना, आयोडीन हमारे शरीर में
जरूरी होता है, पूरे लाइफ में छोटे चम्मच की जरूरत है, बहुत थोड़ी मात्रा में, इसीलिए से सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ये बहुत थोड़ा जरूरी होता है लेकिन बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे मानसिक विकास के लिए या जब गर्भधारण हम लोग करते हैं, अगर उस समय हम लोग या आयोडीन नहीं खाते हैं तो हमारा बच्चा विकलांग और मानसिक रूप से भी विकलांग पैदा हो सकता है। तो ये सारे जो शुरुआत होती है पोषण की, ये किशोरियों से ही शुरू कर दीजिए जिससे कि आगे का समाज गठित हो सके। आयोडीन नमक में हम लोग को पूरा तभी मिल सकता है, आप लोग की माँ जब खाना बनाती है उनसे कहिए कि पूरी सब्जी बनाने के बाद आखिरी में बिल्कुल जब पकने से उतारने के पहले उसमें नमक डाले जिससे कि आयोडीन की मात्रा पूरी तरह से आप लोगों तक पहुँच सके। अगर सब्जी में नमक पहले से पड़ जाएगा या बहुत बार खौलाई जाएगी सब्जी तो उसमें आयोडीन की मात्रा बाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगी और कुछ भी आयोडीन की मात्रा कुछ नहीं मिलेगी, सिर्फ नमकीन सब्जी उन लोगों को जिसमें स्वाद बस वही मिल पाएगा जो हम चाहते हैं पोषण वो नहीं मिल पाएगा। और माँ लोगों से कहिएगा सब्जी दाल कुछ भी हो बार बार ना गर्म करें, बार बार गर्म करने से उसकी पौष्टिकता बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसमें कुछ भी पौष्टिकता से नहीं बच पाते, बस उनके पूरा हो जाता है। स्वाद बनाने के चक्कर में आप लोग ये सेहत से खिलवाड़ ना करें, अपने माँ लोगों को भी आप जागरूक बनाइएगा और आप लोग के जो साथी हैं, आप लोग के और सहेलियाँ हैं जो यहाँ अभी नहीं उपस्थित हैं उनको भी ये सारे मैसेजेस जरूर पहुँचाइएगा जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। जब आप लोग को पीरियड होता है, पीरियड के समय जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे में बहुत पेन होता है, जिनके पीरियड होता है जिनको नहीं होता, छोटे हैं आप लोग, उनको भी जानना इसलिए जरूरी है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोग जब इसके बारे में जान लेंगे तो आप लोग घबराएंगे। ये पीरियड एक प्राकृतिक चीज़ है, ये हर एक लड़की के साथ किशोरावस्था में पीरियड का समय आता है। ठीक है, पीरियड के समय फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पीरियड बहुत कम कम होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे ही पीरियड सेकेंड डे फ्लो में आता है वैसे ही पेन कम होने लगता है। वो जो क्लॉटिंग होती है, बंधापन होता है पीरियड का, वो जब हम लोग का फ्लो में निकलना शुरू होता है तो उसमें दर्द कम हो जाता है। दर्द जब बहुत ज़्यादा हो उस समय कोई दवा नहीं खानी चाहिए, जैसे आप लोग पेन किलर वगैरह खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेन बच्चों को सहन नहीं होता है तो पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर किसी भी हाल में, चाहे वो सर दर्द हो, पेट दर्द हो, बदन दर्द हो, पेन किलर खानी ही नहीं चाहिए, सीधे किडनी और लिवर में इफेक्ट करती है। पेन किलर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जब आपके पीरियड का पेन आपको सहन वैसे करना चाहिए, अगर सहन नहीं होता है तो गर्म कॉफ़ी, गर्म चाय या गर्म दूध सिप कर करके पिएंगे तो आप लोगों के पेट में दर्द कम होगा और पीरियड भी धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। जैसे ही पीरियड क्लियर होगा वैसे आप लोगों का दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। किसी किसी को होता है कि पाँच दिन छः दिन बराबर पेट दर्द बना रहता है, लेकिन आप वॉच करिएगा कि फर्स्ट डे जितना होता है उतना बाद के दिनों में नहीं होता। जैसे ही पीरियड क्लियर होगा वैसे ही आपका पेट धीमे धीमे करके कम हो जाएगा। इसके अलावा हम पेट की सिकाई कर सकते हैं, पेट में बॉटल गर्म करके उसमें गर्म पानी डाल के नीचे पेट में अगर आप सिकाई करेंगे तो आपके पीरियड क्लियर होंगे और दर्द भी कम होगा। पहले के लोग कहते थे नहाना नहीं चाहिए, इसमें उन लोग की गलती नहीं थी, वो लोग बहुत शायद हम लोगों से ज़्यादा जानते थे। इसमें वो लोग नहाने के लिए इसलिए मना करते थे कि नहाने से हम लोग जैसे बाल्टी में झपा झप पानी डाल के नहाते हैं वैसे इसमें पीरियड के समय नहीं नहाना चाहिए। पीरियड में या तो मोड़े पे बैठ के या उठू बैठ के नहाना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर सारे शरीर के अंदर पानी ना जाए। शरीर के अंदर पानी जाने से अंदर जो यूट्रस है, जो हमारी बच्चे रानी है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और आगे बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। जब हम लोग बड़े होते हैं आफ्टर मैरिज कॉम्प्लिकेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है,
तो आजकल बच्चे ना बच्चे नहीं होते हैं किसी को, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो ये नहाने के थोड़े से विधि को चेंज करेंगे से हमारे शरीर के अंदर पानी नहीं जाएगा और यूट्रस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यूट्रस में प्रॉब्लम यानी कि आपको किशोरावस्था में भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। तो उनको वहाँ तक पहुँचने की नौबत ना आए, आपको वहाँ पर ही अपने आप को सेव करें, सुरक्षित रहें, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पीरियड में अपने लोग बहुत लोग पैड यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, कपड़ा जो लोग यूज़ करते हैं कॉटन कपड़ा यूज़ करना चाहिए और वो भी दोबारा धो के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बहुत जगह ऐसा होता है कि धो के इस्तेमाल करते हैं, किसी कपड़े को धो देते हैं, सुखा देते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, दोबारा धो के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो कपड़ा आप लोग कॉटन का यूज़ करते हैं वो भी अच्छे से साफ करके डिटॉल में धो के धूप में सुखा के तब यूज़ करना चाहिए। धूप में जोर इसलिए ज़्यादा देते हैं कि धूप में जो जर्म्स होते हैं वो खींचने की ताकत ज़्यादा होती है। जब मान लो जाड़े के कपड़े अलमारी में रख देते हैं ना, उसके बाद जब निकालते हैं तो हम लोग सूखते हैं, बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। तो माँ क्या करती है कि उसको धूप में सुखा के पहनने दे देती है। धूप में सूखने के बाद स्मेल आती है, नहीं आती है ना, उसको दोबारा धो के सुखाने की जरूरत नहीं है। धूप में डालने के बाद ही धुले हुए कपड़े थे उसमें थोड़ी सी स्मेल आ गई, आप धूप में सुखा लीजिए, उसकी स्मेल चली जाएगी। धूप में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, फंगस इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें खींच लेते हैं। आपके जो अंदरूनी कपड़े हैं, चड्डी है, बनियान, ये सारी चीज़ें धूप में ही सुखानी चाहिए। बेटा ये सिर्फ आप लोग की नॉलेज के लिए है, इसमें आप हंसी है कॉमन है, हम जिस भी क्लास में बोलते हैं ये हंसी कॉमन है, आपको कुछ इरिटेशन नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ आपको समझो ये प्राकृतिक चीज़ है जो कि हर लड़की के साथ जीवन में घटित होती है। तो इसलिए इसमें ना तो छिपाने वाली कोई बात है, आज के समय में ये सारी चीज़ें सब लोग जानते हैं, इवन आपके माँ पापा भाई सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग साइंस पढ़ रहे हैं, सब लोग देखते हैं, सबसे जानते हैं। हम विषय को आप किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। ये एक जीव को धरती पे लाने की प्रक्रिया की शुरुआत है, जिसमें शर्माने या झिझकने वाली कोई भी बात नहीं है। और जो लोग पैड यूज़ करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, छः घंटे के बाद आपका कपड़ा चाहे अच्छा हो, पैड आपका अच्छा हो, साफ हो, तब भी आप उसको नहीं रखेंगे, उसको चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने से आपके अंदर तक इन्फेक्शन आ जाता है। खुजली बहुत समय होती है, खुजली होती है और नमी की वजह से और भी दाने से पड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता नहीं पाते हो किसी को। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप लोग जब कॉमन बाथरूम में यूरिन करने जाते हैं तो उस समय पहले आप लोग मग्गे से पानी डाल दिया करिए, प्लस चला दिया करिए, उसके बाद यूरिन करने के बाद फिर दोबारा प्लस चला के तब आया करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पहले जो गया उसने फ्लश किया है कि नहीं, इससे यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जो भी अंदर तक इन्फेक्शन हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ना घटित हो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अभी जो आप लोगों के हाथ में ये पन्ना है इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा घर जाके, अभी तो आप लोग को आप लोग के पास टाइम नहीं है, घर जाके इसको पढ़िएगा जरूर। ये आप लोग के जो विकास के लिए, जो आपकी आने वाले जीवन के लिए, अर्निंग के साधन के लिए, आप लोग के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आप लोग को दुनिया भर की जानकारी देने के लिए ये योजना सरकार द्वारा लाई गई है, सबला। सबला शब्द में ही सबल का एक भावार्थ निकलता है, ठीक है। सबला यानी कि सबल, लड़कियों को सबल बनाने के लिए वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, हर तरह से उन्हें सबल बनाने के लिए ये योजना सरकार द्वारा प्रदत्त की गई है। अभी बहुत से जिलों में शुरू हो चुकी है, जब यहाँ आएगी
यहाँ भी आप लोग उसके साथ जरूर जुड़िएगा और उसमें आप लोगों को ऑफिशियल जानकारी कि बैंक में जाके खाता कैसे खुलवाना है, FIR कैसे दर्ज करनी है, LIC में पॉलिसी कैसे निकालनी है। अभी अगर आप लोगों से कहा जाए तो आप लोग ये सब काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ ट्रेड एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सारी जानकारी दी जाती है कि किस तरह से जाके आप जो वहाँ पे जाके बात करेंगे, क्या फॉर्म लेना है, किस तरह से फिलअप करना है, कैसे खाता खुलवाना है, कैसे FIR दर्ज करना है, जो भी ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ तो नहीं है, या आप जब ज्यादा पढ़ते